पड़ जाता है। पहली बात तो असुर कभी भी इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ही आतुर होते हैं। दूसरा यह कि महादेव की भांति नारायण भाव प्रधान नहीं बल्कि भक्ति प्रधान है। कोई उनका कितना सच्चा भक्त है ये उनके लिए महत्व रखता है, और जो कोई भी भक्त सच्चा होता है वो वरदान में ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगता जिससे उसके इष्ट को समस्या हो। इसलिए हमने देखा है कि श्री हरि के सच्चे भक्त केवल उनकी भक्ति ही मांगते हैं, किंतु भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो असुरों में तो बहुत दुर्लभ होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान विष्णु भौतिक वस्तुओं को प्रदान करने में संकोची हैं। यही कारण है कि उनके भक्त उनसे अटल भक्ति या मोक्ष का वरदान चाहते हैं, किंतु असुरों को तो भौतिक वस्तुओं जैसे धन, राज्य, ऐश्वर्य, सुरा, सुंदरी इत्यादि के अतिरिक्त कुछ और चाहिए ही नहीं। उन्हें श्री हरि के पास मिलने के लिए कुछ नहीं है। यही कारण है कि असुरों में जो सात्विक होते हैं वो श्री हरि की आराधना करते हैं, जैसे प्रहलाद, बलि, विभीषण इत्यादि। इसके अतिरिक्त त्रिदेवों का अवतार लेना भी एक बड़ा कारण है। ब्रह्मा जी अधिक अवतार नहीं लेते हैं। भगवान शिव के अवतार देवों और असुर दोनों के सन्मार्ग पर लाने के लिए होते हैं, किंतु नारायण के अवतार मूलतः असुरों के नाश के लिए ही होते हैं। यही कारण है कि असुर उन्हें अपना जन्मजात शत्रु मानते हैं और उनकी तपस्या नहीं करते। जय ब्रह्मदेव, जय श्री हरि, जय शिव शंकर। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।